soil and vegetation, जिसमें हम लोगों ने soil लगभग 50% कवर कर दिया था, और उसके आगे आगे हम कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं अपने इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें कवर करने का, न केवल कवर करने का बल्कि कुछ ऐसे पढ़ाए हैं जिससे आपको क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है वो आप उसे 100% सही कर दिया है। ओके, तो चलिए क्लास को बदरी सैंडी टू
ग्रह, ठीक है। इसमें जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होगी, है ना। जैविक पदार्थ मतलब ह्यूमस, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होगी, की कमी। क्यों? जैविक पदार्थ तो वहां होगा, वह कब होगा, बहुत कम होगा वहां पर। क्यों बहुत कम होगा? क्योंकि परिसर में जो पेड़ होते हैं इनमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, और होती भी है बहुत छोटी होती है, और या तो फिर होती ही नहीं है, कांटे होते हैं। तो वहां पर पेड़ों में कोई बड़ी पत्तियां होती नहीं, इसलिए वहां पर मिट्टी में ह्यूमस बहुत कम होता है, नाइट्रोजन की कमी होगी। कैल्शियम कार्बोनेट की भिन्न मात्रा पाई जाती है, मिलेगा। इसमें घुलनशील लवण और फास्फोरस का काफी प्रतिशत होता है। घुलनशील लवण और फास्फोरस, घुलनशील लवण और फास्फोरस की उच्च मात्रा पाई जाती है, हाई परसेंटेज मिलता है, ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर साल हो, ठीक है, और क्या होगा, फास्फोरस हो, ठीक है, ये इसका उच्च प्रतिशत पाया जाता है। अब ये मिट्टियां बहुत फर्टाइल नहीं होती है, हाँ, अगर पानी की सुविधा हो जाए, ठीक है, तो अगर पानी की सुविधा हो जाए तो फिर ये मिट्टियां बहुत फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। तो सिंचाई कृषि के लिए काफी उपयोगी हो जाती है, कृषि के लिए यूजफुल हो जाती है, उपयोगी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर पानी की कमी है तो वहां पर ये इतनी फर्टाइल नहीं हो पाती है। ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज और सरसों कौन सी क्रॉप के लिए सुटेबल होती है, कौन सी क्रॉप के लिए उपयुक्त होती है, तो क्या होगा, ज्वार, बाजरा, है ना, सरसों और मोटे दाने वाले अनाज, है ना, यानी मोटे अनाज इसकी फसलें होती है। लेकिन जहां पर सिंचाई की सुविधा है वहां पर सब्जियां भी होती है, गेहूं भी होता है। तो जैसे अगर हम लोग अपने यहाँ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई, वहाँ पर काफी ज्यादा सब्जियां भी, गेहूं भी, ये सब की प्रोडक्शन ज्यादा होता है। एक बार आरएस ने राजस्थान के सरसों से पूछा गया था कि राजस्थान के किस क्षेत्र के लोग सर्वाधिक कैलोरी प्राप्त करते हैं, इसका मतलब है बाकी जगहों के लोग पूरी कैलोरी नहीं ले पाते। तो उसका क्वेश्चन पूछने का यही दृष्टिकोण था कि आपको ये पता है कि किस क्षेत्र में ज्यादा अनाज उत्पादन होता है, है ना, जहाँ ज्यादा अनाज उत्पादन होगा वहाँ ज्यादा खाने को मिलेगा और वहाँ कैलोरी उन्हें ज्यादा प्राप्त होगी, है ना। जिस टाइप का प्रश्न राजस्थान के पूछा गया था, तो भाई ने वो पेपर मैंने भी दिया था, तो प्रश्न तो याद है कि हमारे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ओके। तो ये रही हमारी मरुस्थलीय मिट्टी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पर्वतीय मिट्टी, ठीक है, कौन सी, माउंटेन पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी ये नवीन और अविकसित मिट्टी होती है, तो ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती। तो क्या इसके पीछे ध्यान लगोगे कि नवीन होती है और ये बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो पाती है, यानी अविकसित, अविकसित मिट्टी होती है जो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पाई जाती है ना। ध्यान देनी
दाग भी आ जाए तो उसमें दाग जो है उसमें प्रमाण से तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लगा तस्वीर सी लेकर अरुणाचल अरुणाचल उत्तराखंड में भी मिलेगी, हिमाचल में भी मिलेगी, सिक्किम में भी मिलेगी, ठीक है, जहां जहां पर ये पर्वत फैला हुआ है, ठीक है। तो ये मिट्टी का मतलब क्या हुआ, इसमें जो सॉइल प्रोफाइल होगी वो अच्छे से डेवलप नहीं होगा। सॉइल प्रोफाइल ये क्या होता है, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, और मतलब इसमें जो होराइजंस होते हैं वो सही से डेवलप नहीं हो पाते। इसमें पोटास चूना फास्फोरस इसका अभाव आ रहा है, मतलब पोटास पोटास चूना और फास्फोरस का अभाव आ रहा है, क्लास के बाद इसका वीडियो शेयर कर देंगे, और क्लास पढ़ाने के बाद अगर तुम चाहोगे तो पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इन मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ह्यूमस, ठीक है, इन मिट्टियों में ह्यूमस यानी जीवांश अच्छा खासा पाया जाता है, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा ह्यूमस प्रति मीटर। तो ये थोड़े से फीचर से आप कर रहे हैं, ठीक है, जाना चाहिए आपको। और यहाँ पर क्या क्या होता है, होगी पर्वत के भाग सेब नाशपाती जैसे फल वृक्ष पाए जाते हैं, एक पल आप जानते हैं हिमाचल कश्मीर में सेब नाशपाती जैसे जो फल वृक्ष होते हैं वो यहाँ पर उगाए जाते हैं, और इन मिट्टियों का नेचर सामान्य तौर पर एसिडिटी ऐसा होता है, नेचर मिलता ऐसा होता है अम्लीय, मतलब इसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम होता है, पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, ठीक है। ये रही प्रगति, अब हम लोग बात करेंगे पीट और दलदली में, पीट ये इससे क्वेश्चन के बाद पूछा गया है, पीट का दलदली पीट और दलदली में इस क्वेश्चन के बाद आया है पीटी एंड मार्सी मार्सी सब, है ना, पीटी एंड मार्सी स्वाइन, मतलब ये नम जलवायु में ये मिट्टी बनती है, नम जहां पर जलवायु कैसी होगी, ह्यूमिड, तो नम जलवायु में इसका निर्माण होता है, जहां पर नमी हो अच्छी खासी, ठीक है, और चूंकि नमी होगी तो यहाँ पर एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं, क्या पाए जाए, यहाँ पर सदाबहार पेड़ मिलेंगे, सदाबहार पेड़ को, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ी पत्तियां होंगी वो इसको गिरेंगी, वो पत्तियां टूटकर पत्तियां मिट्टी में मिक्स हो जाएंगी, मिट्टी में अरे मिक्स हो जाएंगी, और यहाँ का जो बैक्टीरिया और फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो इन पत्तियों को डिकम्पोज कर देंगे, और डिकम्पोज करके उससे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनेगी कार्बनिक पदार्थ, ध्यान से सुनो, जो कार्बनिक पदार्थ बनेगी वो कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में मिक्स हो जाएगी,
तो यही कारण प्राप्त ह्यूमस होता है। तो इसका मतलब है कि इस मिट्टी में ह्यूमस सबसे ज्यादा पाया जाता है, ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा है। और आपको हमने शायद शुरुआत में बताया होगा कि इसमें ह्यूमस 100% तक भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ह्यूमस किस मिट्टी में पाया जाता है तो आप बता सकते हैं कि वो मिट्टी कौन सी है, ठीक है। सलीजन क्या है? ये आपको बताई दिया गया क्योंकि वहां पर चौड़े तत्व वाले वन पाए जाते हैं, इस वजह से उसकी ह्यूमस तो जैविक मात्रा अच्छा खासा होता है और इसमें घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है। और एक चीज यहां पर मैं लिख देता हूं, घुलनशील नमक यानी साफ नमक भी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये कहां पर मिलेगी? ये जैसे केरला तमिलनाडु के आठ प्रदेशों में, ठीक है। अब इसमें पोटास की कमी रहती है और फास्फोरस की कमी रहती है। वैसे आप देखो भारतीय मिट्टियों में फास्फोरस की कमी अधिकतर रहती है, ठीक है। एसिडिक नेचर होती है, एसिडिक नेचर, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी की एसिडिक नेचर होती है और ये कुछ तो केरला में कुछ तमिलनाडु के आठ क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है। उड़ीसा सुंदरबन का डेल्टा है ना भारत में और उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भागों में और कटीर तमिलनाडु तमिलनाडु का कटी क्षेत्र वहां पर ये मिट्टी मिलती है, ठीक है। ठीक है, निचले क्षेत्रों में जो लोलैंड है जहां पर वाटर लॉगिंग होता है पानी भर जाता है वहां पर भी ये मिट्टी बनती है, ठीक है। और इसमें फेरस आयन पाया जाता है, क्या पाया जाता है? फेरस Fe++ फेरस आयन और किसकी वजह से इसका जो कलर है वो नीला होता है, तो इसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है? नीला, ओके। ज्वाइन नहीं हो रहा है आप लोग जून के लिए तो इसका जून का लिंक है उस पर क्लिक करिए ज्वाइन हो जाएगा। तो जो पीक स्पाइक होती है ना पीटी एक मार्शी साइड उसमें कौन से आयन पाए जाते हैं? फेरस आयन की अधिकता होती है और इसकी वजह से इसका कलर नीला होता है, ठीक है। इसमें चूंकि ये दलदली है इसलिए इसमें धान की कृषि होती है, ठीक है। इसमें एडिमा धान की कृषि यहां पर होती है, पैडिंग, ठीक है। और यहां पर मैंग्रोव वनस्पतियां भी उगती हैं स्पेशली कंडीशन में। मैंग्रोव वनस्पतियां क्या है? सभी हम लोग वेजिटेशन पर ला रहे हैं वहां पर लोग, तो यहां पर मैंग्रोव वनस्पतियां उगती हैं और स्पेशली इन कोस्टल रीजन, स्पेशली इन कोस्टल रीजन तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट तटीय क्षेत्रों में होते हैं, मैं आगे हम बात करेंगे। तो ये था हमारा पीट और दलदली मिट्टी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लवणी तथा क्षारीय मिट्टी। तो आईसीएआर ने भारत की आठ प्रमुख मिट्टियां बताई थी, तो उस
उसमें से आठवीं हम लोग बात करने जा रहे हैं, लास्ट है लवणी तथा क्षारी, ठीक है, सैलाइन एंड एल्कलीन सॉइल, सैलाइन एंड एल्कलीन सॉइल, लवणी तथा क्षारी ये ज्यादातर कहां मिलती है, तो इसके पंजाब में ही हरियाणा में राजस्थान में बिहार में, पंजाब हरियाणा राजस्थान बिहार, पंजाब हरियाणा राजस्थान और बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश की है और महाराष्ट्र के शुष्क भाग, उत्तर प्रदेश एंड ड्राई रीजन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के शुष्क भाग सॉइल, ठीक है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम होगी, यहां पर कैपिलरी एक्शन होगी, ठीक है, अगर यहां पर सिंचाई की जाए तो ये ड्राई रीजन है, तो इसमें अगर फसल हो जाए तो सिंचाई की जाती है, और जब सिंचाई की जाती है कैपिलरी होता है, इसको जो कैपिलरी या केशिका दिया है, केशिका कहते हैं हिंदी में केशिका, कैपिलरी या केशिका क्रिया, केशिका क्रिया, हमारे लिए ये ड्राई रीजन होती है, तो अगर यहाँ पर कोई क्रॉप करनी है उसमें एरिगेशन करना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही पानी के संपर्क में आता है वो धरातल पर लवण की जो परत होती है वो सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि के सल्फेट और कार्बोनेट बन जाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, इसलिए हम लोग कैपिलरी एक्शन को समझ लेते हैं पहले, जैसे ये मिट्टी साल का तो
वाष्पीकरण होगा जब, तो इस मिट्टी की जो ऊपरी सतह वहां पर लवण की परत चल रही है, लवण की परत चल जाती है, उससे मिट्टी कैसे हो जाती है, अलूवा इनफर्टाइल हो जाती है, अलूवा हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। ओके, तो ऐसी अलूवर मिट्टियों को रे, क्या बोलते हैं, ऐसी अलूवर मिट्टियों को क्या कहते हैं, रे, कई कई उसको पल्लव भी कहते हैं, रे पल्लव, ठीक है, ऊसर, ठीक है, चोपल, फूल, ऐसे बहुत सारे नाम, चोपल, फूल, ये सब नाम, ठीक है। तो आप सब पूछ रहे हैं चोपल क्या है, तो ये अलूवर, अलूवर स्वाइल। ओके, क्या आवाज नहीं आ रही, क्या जितने लोग लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर, क्या आवाज आ पा रही है, उन्नीस लोग लाइव हैं, अच्छा नो वॉइस, वॉइस नहीं आती, ऑडियो ज्वाइन नहीं है, अब आ रही है, नो वॉइस, अभी भी नहीं आ रही, अब आ रही आवाज, बात कर रहे क्यों इसमें आ रही है। ओके ओके, चलिए, तो हमने देखा कि जो लवणीय और क्षारीय मिट्टी है इसमें कैंटिली रिएक्शन आपको समझाया, कैंटिली रिएक्शन कहाँ पर होता है, जहाँ पर एलिवेशन होता है, सिंचाई होता है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है और मिट्टी बंजर हो जाती है, रेत हो जाती है, कल्लो हो जाती है, ऊसर हो जाती है, हाँ चोपर हो जाती है, फूल हो जाती है, हाँ ये सब नाम है, रेत है ना, कल्लर, फूल, चोपर, ठीक है, ये सब क्या है, ये इनफर्टाइल सॉइल ऐसी है, अलूवर, अलूवर मिट्टी है, ठीक है, ये सब इसके स्थानीय नाम है, लोकल नाम है। ओके, तो इस तरीके की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की मिट्टियों में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसमें देखिए चारे की फसल हो जाती है, इसको हम बरसीम कहते हैं, ठीक है, धान, गन्ना, ठीक है, और उसमें फलों में अमरूद, आंवला, खालसा, जामुन, इस टाइप की फसलें यहाँ पर पैदा होती है, ठीक है। तो ये आठ प्रकार की मिट्टियां थी, ICAR ने भारत में आठ मिट्टियां बताई, ठीक है, उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इससे अभी आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो सब सॉल्व हो गए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा ये और टफ पूछ देता है, थोड़ा सा डीप करा जाता है, तो वो क्वेश्चन लोग कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए वो कुछ चीज़ें हम पीडीएफ में भी आपको शेयर कर देंगे, क्लास इसका पीडीएफ आपको देंगे, पीडीएफ में शेयर कर देंगे। ओके, तो वो चीज़ें कुछ आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम लोग ग्रुप पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये मिट्टियां हम लोगों ने देखी। अब हम लोग बात करेंगे भारत में नेचुरल वेजिटेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट, नेचुरल वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं हम लोग प्राकृतिक वनस्पति, भारत में प्राकृतिक वनस्पति
नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। तो यहां पर टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के अगर हम बात करें, टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की, तो तीन प्रकार के आपको यहां पर भारत में दिखेंगे। टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ये तीन प्रकार की प्राकृतिक परिस्थितियां आपको दिखेंगे। ठीक है, सिलेबस में वनस्पति लिखा है, ठीक है, केवल वृक्ष नहीं लिखा। तो वनस्पति तीन प्रकार की यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलेगी। एक होगा फॉरेस्ट, मतलब जहां पर बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे। दूसरी होगी श्रब्स, श्रब्स का मतलब होता है झाड़ी, ठीक है। श्रब्स और श्रब्स दो शब्द यूज किया जाते हैं। श्रब्स थोड़ी बड़ी होती है, श्रब्स थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर श्रब्स भी मिलेंगे भारत में, ठीक है, और ग्रास भी मिलेगी। क्या मिलेगी? ग्रास, घास। अब देखिए, जब हमने आपको विश्व का भूगोल पढ़ाया था तो वहां पर हमने आपको घास दो प्रकार के बताए, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। कैसे बताएगी? ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो घास की दो प्रकार की मिलेगी, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। हिंदी में बोले तो ट्रॉपिकल को कहते हैं उष्णकटिबंधीय और टेम्परेट को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो ट्रॉपिकल ग्रास जो होती है ये थोड़ी सी गर्म घास के बराबर होते हैं, पर इसे ही सवाना कहा जाता है। सवाना, तो क्या भारत में भी सवाना मिलेगी? मिलेगी, भारत में भी सवाना होती है। और टेम्परेट के लिए थोड़ी सी कम टेम्परेचर पे होती है, तो ये मुलायम होती है, ज्यादा सॉफ्ट होती, मुलायम होती, ये थोड़ी सी हार्ड होती है। तो दोनों ही टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रास इंडिया में पाए जाते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन में आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक हो गया फॉरेस्ट, दूसरा हो गया श्रब, और तीसरा हो गया ग्रास, तीनों, ठीक है। इससे इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट का ज्यादा है, ठीक। तो देखो, इस लेक्चर में हम लोग इसका जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो हम लोग समझेंगे। इसका जो नवीन आंकड़े है, जो न्यू डेटा है इसके, वो हम आपको उसका पीडीएफ रूप में शेयर करते हैं, ठीक है। तो वो नए आंकड़े आपके काम आ जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, वर्क फॉर्म में सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट फार्म है, वर्क फॉर्म में सबसे ज्यादा कौन सा राज है जहाँ फॉरेस्ट कवर ज्यादा है। इस तरीके के जो डेटा है वो हम आपको पीडीएफ फॉर्म में शेयर करेंगे, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर समझने वाली बातें हैं, समझने वाले टॉपिक हैं, वो यहाँ पर लोग समझ। अब इंडिया में अगर हम लोग कन्याकुमारी से लद्दाख पूछा, तो तो उस कटिबंध में यहाँ पर केरला है,
नाम को सदा वर्तमान में जो वर्षा यहाँ पर जो आने वाला मानसून होता है अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर कराता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखेंगे मेघालय के पठार का शिलांग पठार यहाँ भी सदाबहार को मिले। ठीक है, अंडमान निकोबार भी मिलेगी, अंडमान निकोबार में भी मिले। ठीक है, फिर जैसे ही हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, इधर द्वारा क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है देश दिवस मिले, पत्थर मिले, इधर मैदान भी आ जाएंगे, यहाँ पर मानसूनी वक्त मिलेंगे, मानसूनी वक्त हमें पता है क्या होती है। ठीक है, इधर चले जाएंगे राजस्थान वाले क्षेत्र में तो जीरो फाइल्स मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मानसूनी जीरो फाइल्स मिलेंगे यहाँ पर। और जब हम लोग शिवालिक से मध्य हिमालय और ग्रेटर हिमालय की तरफ बढ़ेंगे तो देखते हैं तो मोटे मोटे तौर पर कौन से यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है,
तो नाम से ही पता चल गया हो उष्णकटिबंधीय होंगे, ठीक है। और भारत भर से भी अगर हम इसका विस्तार देखें, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन देखें, अक्षांशीय विस्तार देखें, तो ये उष्ण और उपोष्णकटिबंध का देश है। तो उष्णकटिबंध में और सदाबहार वन, तो उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ओके, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इंडिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाएंगे, इसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, ठीक है, कंडीशन देखिए इसके लिए क्या क्या शर्त, कौन कौन सी जलवायु की शर्तें होनी चाहिए इसके लिए। तो पहला है वर्षा, चलो टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, तापमान लगभग कितना होना चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 22 सेल्सियस से ऊंचा तापमान, ठीक है। दूसरी जलवायु संबंधी कंडीशन जिन लोगों के लिए होती है, वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक हो, वर्षा 200 सेंटीमीटर या अधिक, 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो, सड़क ताप से आज क्लास में काफी लोग हैं, 26 लोग हैं क्लास में, ठीक है। तो हमने देखा ये दो भौगोलिक कंडीशन है, जब जलवायु संबंधी सत्य है लोगों के लिए। अब देखिए एक चीज आ रही है कि वेजिटेशन वनों को डेवलप होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, टेम्परेचर और वर्षा, यानी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, तापमान और आर्द्रता यानी नमी। तो जहां पर एक ठीक ठाक टेम्परेचर होगा और अच्छी खासी नमी होगी, वहां पर पेड़ पौधे बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, ठीक है। वहां पर सीड्स बहुत आसानी से जनरेट हो जाते हैं। जैसे अगर हम लोग अभी बात करें तो जुलाई का महीना चल रहा, तो जुलाई अगस्त में अच्छा खासा टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी भी आ जाती है। इस समय कोई भी सीड आप ऐसे ही जमीन में फेंक दीजिए मिट्टी में और उसको मिट्टी में दबाइए नहीं, और वो जनरेट हो जाएगा, उसका अंकुरण हो जाएगा और वो वनस्पति में डेवलप होने लगेगा, ठीक है। तो वनस्पतियों के डेवलप होने के लिए, जनरेट होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो भारत में जहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है, वहां पर मैंने बताया 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए या उससे ज्यादा, और वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हर सीट जनरेट हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर होगा क्या, बात समझो मुद्दे की, कि नजदीक नजदीक पेड़ पौधे होते हैं, मतलब एक दूसरे में दूसरे होते हैं, सटे सटे होते हैं, अगर सटे सटे होते सूर्य के पास पहुंचे तो एक तेजी से सूर्य के प्रकाश को बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्यों, क्योंकि उनको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, भोजन, भोजन कैसे मिलेगा, सूर्य का प्रकाश होगा अभी तो भोजन उतना बना पाएंगे, फोटोसिंथेसिस के सिस्टम के माध्यम से, तो ये काफी सरल होते हैं और काफी लंबे होते हैं। तो ट्री यहाँ पर काफी बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेड़ पौधों की जो ऊंचाई होती है 45 से 60 मीटर ऊंची, यानी 45 से 60 मीटर ऊंची पेड़ पाए जाते हैं। अब समझिए 45 से 60 मीटर का ऊंचे होते ऊंचे होते, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये सघन होते हैं, डेंस फॉरेस्ट, कैसे होते हैं,
तो कुछ शब्द प्रतिबंधी सदाबहार वन होते हैं, उनकी विशेषता का प्रश्न क्या है, ये सघन होते हैं, यानी दो पेड़ों के बीच में दूरी बहुत कम होती है, नजदीक नजदीक पाए जाते हैं, ठीक है। और चूंकि नजदीक होते हैं तो सनलाइट जल्दी से फिल्टर नहीं कर पाएगी, तो प्रत्येक पेड़ सनलाइट की तरफ बढ़ने का प्रयास करेगा और इस क्रम इसकी लंबाई काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सदाबहार होते हैं, चौड़ी पत्ती होती है, इसकी कैलोपाई बहुत अच्छी सी होती है और इसमें जो प्रजाति विविधता बहुत ज्यादा होती है, प्रजाति विविधता बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर प्रजाति विविधता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब छोटी सी जगह कई प्रजातियों के पेड़ उग जाते हैं, कई प्रजातियों के पेड़ उग जाते हैं। जैसे यहां पर आपको ताड़ मिलेगा, यहां पर मिलेगा, यहां पर ताड़ का पेड़ भी मिलेगा, तो नारियल का पेड़ भी मिलेगा, तो यहां पर आलू भी मिलेगा, आलू, तो यहां पर सिंकोना भारत में कहां कहां पाए जाते हैं, ठीक है।
सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र जो इसका रियो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी घाट केरला क्यों, क्योंकि विश्व में नदी समुद्र का प्रभाव तो नमी रहेगी, टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, वर्षा भी खूब होगी, यहाँ पर ही है केरला, ठीक है। तो केरला में हम अगर बात करें तो पश्चिमी घाट के पश्चिम, पश्चिमी घाट के पश्चिम में ये काफी ज्यादा मिलेंगे और सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी यही पर मिलती है। केरला में एक जगह है शांत घाटी, साइलेंट वैली। तो भारत में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कौन सी जगह पर मिलेगी, साइलेंट वैली। जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार
में आता है। इंग्लिश तक यूज कीजिए, बिल्कुल मैं बोल दे रहा हूँ, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार को बोला जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसमें महोगनी ट्री ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था यूपीपीसीएस ने, निम्न में से कौन सा ट्री हिमालय रीजन के बाहर था, हिमालय रीजन में नहीं आता है, और उसमें ऑप्शन दिया था महोगनी। तो क्या महोगनी हिमालय रीजन में आएगा? नहीं आएगा, ये तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आता है। उमेश नारायण बोल रहे हैं बहुत अच्छे से सर्टिफाइड कर रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। तो क्लियर हुआ कि महोगनी हिमालय रीजन से बाहर आता है, तो कहां आएगा बात आपको क्लियर हुई। तो ऐसा ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पीसीएस में पूछा था, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रेंड भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। जब तक आपको ट्रेंड नहीं पता होगा तब तक मजा नहीं आएगा। चलिए आपको क्लियर हो गया, थैंक यू। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसे हम समझें, और यूपीएससी और हमारा जो पीसीएस एग्जाम है उसका कैसे अपने नॉलेज को अपने ज्ञान को कैसे वहां पर यूटिलाइज करें, अप्लाई कैसे करें, यही स्किल अगर आपने सीख ली तो फिर आपका एग्जाम इजीली निकल जाएगा, क्रैक कर देंगे उस एग्जाम को। तो वो स्किल आप डेवलप करते हैं ना, कि अपने ज्ञान को हम कैसे वहां पर यूज करें, ठीक है। बस इतनी सी बात है, मैं ये आपको आगे आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो समझ आ रहा है दोस्त, ओके। तो अगर आपसे पूछ दें कि भारत में कौन से गांव में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, ओके बिल्कुल। चलो आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले, उष्णकटिबंधीय पतझड़, इसको हम मानसून भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस मानसून फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस मानसून फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो इसके लिए कैसी भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए, तो इसमें वर्षा होती है वो होनी चाहिए 100 से 200 से एनुअल एवरेज एनुअल रेनफॉल। अब आप सोचते होंगे कि सर जी वर्षा को सेंटीमीटर में कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं, तो एक रेन गेज होता है उसको रख दिया जाता है और फिर कितना पानी वर्षा उसके काम में भर गया है सेंटीमीटर, वैसे इसको मेजर किया जाता है, वो प्रैक्टिकल पार्ट है अलग, रेन गेज से वर्षा को मेजर किया जाता है। तो यहां पर एक चीज आपको समझना है, एक्चुअल में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने लगता है कि जैसे आपने देखा कि कुछ पेड़ हमने देखे अभी एवरग्रीन में, तो वो पेड़ आपको यहां भी मिलने लगे, तो ये थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है। हालांकि इसमें कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है, हम आपको इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपको चीजें कंफ्यूज कम करें, ठीक।
तो उष्णकटिबंधी पतझड़ वाले वन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो भारत में किस प्रकार के वन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं? भारत के ये वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं, ये बहुतायत में पाए जाते हैं। तो चूंकि भारत मानसून के वाले प्रदेश है तो मानसून वन यहाँ पर ज्यादा है। और देखिए इसको पतझड़ क्यों कहते हैं, देशी दिवस क्यों कहते हैं? तो ये मानसूनी वनों की विशेषता है, मानसूनी वन हमसे समझिए, मानसूनी वनों की विशेषता ही देशी दिवस का होना। कैसे? देखिए मानसूनी जलवायु में क्या होता है, जब मानसून आता है तो खूब नमी होती है, जब मानसून आता है तो खूब नमी होती है, खूब वर्षा होती है, तो पानी की कमी भी होती है, तो पेड़ों में खूब पत्तियां निकलती है। आज आप देखिए कोई भी पेड़ होगा बड़ा दिखेगा क्योंकि मानसून का सीजन चल रहा है, ठीक है, सारी पत्तियां निकल आएंगी। लेकिन जब मानसून सीजन खत्म हो जाए फिर एक गर्मी की शुरुआत के जस्ट पहले वातावरण में नमी की एकदम कमी हो जाती है, वायुमंडल में नमी एकदम कम हो जाती है, और जैसे ही नमी कम हो जाती है तो पेड़ बड़े चालाक होते हैं, ठीक है, लगता है सारी पत्तियां गिरा देते हैं एक साथ, और ऐसा लगता है जैसे सूख गए, पेड़ में कोई पत्ती ही नहीं बचती, एकदम से वो सारी पत्तियां गिरा देती है, सूख जाती है, तो ऐसा लगता है कि पेड़ तो सूख गया, नहीं ठीक सूखा नहीं, बड़ा चालाक है वो, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ऐसा कर रहा है। अगर पत्तियां वो लगाए रहता तो क्या होता, पानी की कमी तो है, पत्तियां नमी को क्या करती है, वाष्प को सघन करती है, को ट्रांसपोर्टेशन करती है, जिससे नमी तो बहुत, नमी है ही नहीं वायुमंडल में, पत्तियां रहेंगी तो और वॉश करेंगी, है ना, जैसे आपको देखा होगा छिपली की पूछ काटते गिरा देती है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जब उसको कोई हमला करता है तो वो अपनी पूछ को काट देती है, उसको अपनी पूछ से कोई लगाव नहीं, क्यों, क्योंकि उसको पता है दोबारा फिर निकल आएगा। तो पेड़ों को पता है ये पत्तियां अगर हम गिरा देंगे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, और कुछ दिन बाद पत्तियां फिर निकल आएंगी, क्लियर ना? तो मानसून वनों की विशेषता आपको समझ में आई, ये पत्तियां गिरा देते हैं, तो मानसून वनों की बहुत बड़ी विशेषता है कि वो पतझड़ करते हैं, वो देशी दिवस होते हैं। आई होप कि ये चीज आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये वन भारत के किन भागों में पाया जाता है, जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ओके। और ये वृक्ष अधिक लंबे और सघन नहीं होते, ये इतने लंबे और इतने डेंस नहीं होते हैं जितने की सदाबहार, ठीक है, ये भी विशेषता है इसकी, जो ये सदाबहार वनों की तुलना में कम लंबे होते हैं देखने को नहीं मिली, कहते राजस्थान को तो उस पर कमानी होगी, अरे जो उत्तर
उत्तर प्रदेश के राजस्थान की सीमा यानी भरतपुर, आगरा के बाद भरतपुर शुरू होता है, वहां उन्हीं मिलेगी तो मनुष्य थोड़ी देर। तो भैया उत्तर प्रदेश यहाँ पर नहीं है, हमने डिसाइड किया और यहाँ से बगल से राजस्थान शुरू होता है, ये हमने डिसाइड किया। लेकिन पेड़ को कोई नहीं पता है, नीम के पेड़ को नहीं पता कि हम यहाँ है और इस तरफ नहीं रहे, क्योंकि इधर राजस्थान है, इधर यूपी। अरे उसको तो इससे जैसे मिलती जुलती क्लाइमेट मिलेगा, यहाँ भी हुआ है ना। ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं हो रहे, ओके। आप कहें कि आम का पेड़ उत्तर प्रदेश में है लेकिन राजस्थान में नहीं होगा भैया, अरे काहे नहीं होगा, अरे मरुस्थल में नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इतना कॉमन सेंस तो लगाएंगे, है ना, इतना कॉमन सेंस लगाना चाहिए भी, क्योंकि हम सिविल सर्विस के कंप्यूटर हैं, स्मार्ट तरीके भी स्मार्ट होता है ना सिविल सर्विस का कंप्यूटर। चलो तो ये जाने की वन है ना, ये कहां काम करेंगे, हिमालय के फुट हिल से शुरू होते हैं, हिमालय की ऊंचाई पर नहीं। देखो हम उत्तर भारत के मैदान कहां पर होते हैं, ज्यादातर मैदान में हम लोग रहते हैं, और मैदान कहां से शुरू होता है, हिमालय के फुट हिल। चीजों को समझ पड़े तो मदद आएगा, हिमालय के फुट हिल से ये शुरू होते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, गिरिपा, हिमालय के गिरिपा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, अच्छा उत्तराखंड में भी कुछ जगह जहाँ पर ऊंचाई ज्यादा होती है, कुछ जगहों पर उत्तराखंड में, ठीक है, ये मिलेगा, ठीक है। कर्नाटक में भी मिलेंगे थोड़ा बहुत, महाराष्ट्र में मिलेंगे, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में, पश्चिमी ढाल में थोड़ा सा ज्यादा होता है और पूर्वी ढाल दृष्टि छाया जाता है, वहां मिलेगा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यहां पर ये वन मिलेगा, ओके। अब इन वनों की विशेषता क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, कोई विशेष बात। इन वनों की लकड़ी थोड़ी सी मुलायम होती है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, मुलायम होती है, मजबूत होती है, टिकाऊ होती है, तो लकड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, मजबूत होती है, मजबूत होगी वो टिकाऊ भी होगी, टिकाऊ होगी, तो ये बड़े काम की लकड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे वृक्ष कम लंबे होते हैं, खुले होते हैं, पर बहुत ज्यादा सघन नहीं होते, इसलिए इनके अंदर घुसना आसान होता है, ठीक है, और अधिक व्यवसायिक लकड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है, मतलब इससे फर्नीचर बनता है, ठीक है, कच्चा माल इससे प्राप्त होता है, इन वनों से चरागाह के रूप में भी इन्हें यूज किया जाता है। तो इसलिए भारत में यानी देश के सर्वाधिक महत्व के वन, देश के सर्वाधिक महत्व के वन, तो भारत में अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक महत्व के वन कौन है, कैसे होते हैं, पतझड़ होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के बारे में, ये तो नेचुरल वेजिटेशन है, तो भारत में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल
glass, lead. This is called savanna. ठीक है, savanna बोलते हैं इसको. वैसे तो savanna अफ्रीका से ये टर्म लिया गया है, सुडान से. ठीक है, savanna savanna का विस्तार सबसे ज्यादा अफ्रीका में है. तो भारत के भी कुछ क्षेत्रों में अगर उससे मिलती जुलती जगह यहाँ पर ना मिलेगी वहां पर ये भी सवाना भी मिलेगा. ठीक है, तो सवाना घास की जो क्षेत्र है इंडिया में वो कहाँ कहाँ पर मिलेगा, तो ये शुष्क मैदानी भागों में मिलेगा. कहाँ मिलेगा? शुष्क मैदानी भागों में सवाना ग्रासलैंड मिलेगा. ठीक है, इन भागों को वर्षा 50 से 100 से मिलेगी. अब आप ढूंढो कि भारत में कोई क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा एनुअल एवरेज रेनफॉल होती है, वहां पर ही मिलेगा. ठीक है, तो जब वर्षा की वहां की थोड़ी सी घास लगती है. ठीक है, तो इस प्रकार की वनस्पति आप ऐसे ध्यान दें. ये पश्चिमी भाग का किस तरह का वाला है, यहाँ पर वर्षा वृष्टि छाया. ठीक है, वृष्टि छाया गया है यहाँ पर. ये पाई जाएगी मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले भी है समान खास है ना, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा है ना. बस कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश बिल्कुल आप ध्यान रखिए. काम आ रही है तो कर्नाटक अमरसा हो गया, यहाँ पर दृष्टि छाया हो जाता है. आंध्र प्रदेश पूरा प्रदेश के, ठीक है, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का लड़का है भाई मध्य प्रदेश से निकला है भारत के शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं.
वो शुष्क क्षेत्र की क्या परिभाषा है यहाँ पर, मतलब जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो वहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखो, आपको मैं एक दिन जब पिछला लेक्चर दिया था तो आपको मैं बताया था कि वनस्पति जलवायु का सूचक, वनस्पति जलवायु का सूचक होता है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। इसने कहा, इसने कहा कोपेन, ठीक है, कोपेन स्टेटमेंट में याद दिला रहा हूँ, दो तीन बार मैं याद दिला चुका हूँ ताकि आपके एकदम से याद हो जाए, रट जाए, ठीक है। तो वनस्पति बहुत बड़ी ग्राम पर होती है, ठीक है, जैसे हम लोग मौसम के अनुसार कपड़े बदल लेते हैं, मौसम के अनुसार कपड़े बदल लेते हैं, वैसे ये वनस्पतियां भी करती है। देखो कैसे, जो मरुस्थल में आए, जो मरुस्थल में होगी तो वहां की वनस्पतियां कैसे बड़े बड़े पेड़ नहीं होंगे, छोटे होंगे, बट इसकी जो रूट्स होगी जड़े काफी गहरी होती है, ठीक है, इसमें पत्तियां ज्यादा नहीं होंगी, इसमें क्या होगी, पत्तियां होंगी तो बहुत नैरो, बिल्कुल नैरो, ब्रॉडली नहीं होगी, इसमें क्या होगी, ऐसे कांटे होंगे, ये कटीले होंगे, थोरनी, ये कांटे निकले। तो हम लोग जब 9th या 10th क्लास में पढ़ते थे तो सर लोग पूछा करते थे कि मरुस्थल के पौधे अपनी पत्तियां कांटों में तब्दील कर लेते हैं, अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लेते हैं, व्हाट इज द रीजन, इसका रीजन क्या है ना, हाँ ये उसी को हमें हम एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं बेचारे। जो दो रीजन, एक तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकना, इवेपो ट्रांसपिरेशन को रोकना, क्रिया को रोकना, अगर चौड़ी पत्तियां होंगी तो ये वाष्पोत्सर्जन करेंगी, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, इवेपो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, पानी लॉस होगा, पानी आएगी, तो अगर ये पानी को लॉस करेंगे तो मर जाएंगे, ना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसके लिए जो पत्तियों को छोटा करेंगे ज्यादातर कांटे होंगे। अब कांटे यहाँ पर क्यों होंगे, पत्तियां होंगी तो ये शाकाहारी जानवरों को अट्रैक्ट करती और उन्हें खा जाते, तो ये मेरे पास पत्तियां कम है, थोड़ी पत्तियां हैं जिससे हम अपना भोजन बनाते हैं, अगर वो भी नहीं है तो भोजन नहीं बन पाएगा, तो कहते भैया थोड़ी पत्तियां हैं छोटी छोटी, उनको बचा कर रखो, इसलिए कांटे लगा दिए, क्यों, क्योंकि अगर कोई जानवर उसे खाने आएगा शाकाहारी जानवर उसकी पत्तियों को, तो कांटा चुभ जाएगा और वो भाग जाएगा, है ना। तो है ना, ऐसा नहीं,
ये पर्यावरण से लड़ लेते हैं, लेकिन इनको क्या बोलते हैं भैया, जीरो फाइल्स कहते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसमें कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, जैसे खजूर, रोहिड़ा, खेजरी, बबूल, कैक्टस, रीठा, रीठा रीठा तो बार बार होते हैं जैसे वही रीठा, तो वो रीठा कहाँ मिलेगा है ना, ठीक है। आंवला भी यहाँ पर जिस कहते हैं रीठा रखा है, आंवला वहाँ भी मिलता है, यहाँ वहाँ का पत्थर वाले उसे अडॉप्ट किया है एटमोस्फेयर। वैसे सबसे ज्यादा यूपी में आंवला का होता है, प्रतापगढ़ में होता है, उत्तर प्रदेश स्पेशल कंपोशिप। तो भारत में इस प्रकार के पेड़ों का विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, गुजरात के ड्राई रीजन, गुजरात के ड्राई रीजन, ठीक है, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी कुछ जगह और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में जहाँ पर पानी नहीं बरस रहा, ठीक है। तो उसकी मनोरी है कि छोटे छोटे वन होते हैं, छोटे पेड़ों के इधर उधर है, ठीक है। तो ये था हमारा तो ये वाला कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ, किसी दोस्त के साथ।